हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग 65 पॉइंट लॉस के साथ, लगभग 16,365 पे। आज हमने दोनों तरफ उठा पटक देखी मार्केट में, और जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसकी वजह से पहले रैली देखी और बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखा। यहाँ जो है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। या अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी इस वीक के लिए ट्रेड कर रहा है लगभग 240 पॉइंट नीचे, लगभग 1.5% डाउन। और यहाँ हमने जो 50 वीक का एवरेज है उसके अराउंड जो है तो रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब आने वाले वीक जो है तो निफ्टी के लिए बहुत ही वीक रह सकते हैं और या बेरिश रह सकते हैं। और नीचे जो है तो हम धीरे धीरे 15,500-15,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था। ऊपर जो है तो बाउंस बैक आ सकते हैं, मगर वो बाउंस बैक आपको सेलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। वीकली चार्ट पे बेयरिश है, यहाँ हमारा पहला टारगेट रहेगा एज पर वीकली चार्ट 15,500, और उसके बाद में जो है नीचे आपको 14,800 के अराउंड जो है तो पहला सपोर्ट जोन है S1 का, तो वो भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ जो है तो एक बार यहाँ रिजेक्शन आ गया और ये कंफर्म हो गया तो आपको एक मोमेंटम सेलिंग देखने को मिलेगी जो निफ्टी को लेकर जाएगी लगभग 15,500 और 14,800 के लेवल की तरफ। अभी देखते डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का एवरेज तोड़ा, उसके बाद में जो है कंसोलिडेट किया, बाउंस बैक किया, वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और अभी जो है तो निफ्टी नीचे जा रहा है। यहाँ जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,960, ये मुझे लगता है कि अगले वीक में आपको देखने को मिलेगा ये 15,960 का टारगेट। उसके नीचे जो है तो 15,600 और लास्ट में 15,000 का टारगेट इस महीने हमें देखने को मिलेगा। यहाँ जो है तो निफ्टी जो है तो रिजेक्शन दे रहा है ऊपर के लेवल की तरफ, मगर यहाँ फॉल जो है तो अभी तक मोमेंटम नहीं बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आए जो निफ्टी को 16,800-16,900 की तरफ लेकर जा सकती है। अगर उस लेवल पे मिलता है निफ्टी तो एक परफेक्ट शॉट बनेगा 200 पॉइंट के साथ, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,950 का। अगर 16,800-16,900 के अराउंड अगर निफ्टी मिलता है तो वह एक परफेक्ट शॉट बनेगा और वो मूव आ सकता है ट्रैप करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है तो इंडिकेटर वाइज जो है तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, मगर प्राइस वाइज बेरिश है। और हम जो है तो फिर से जो है तो 20 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे सर चुके हैं। यहाँ जो 20 डेज का एवरेज है वो है 16,440 पे, तो अगर उसके नीचे जब तक रहेगा निफ्टी तब तक जो है तो सेलिंग का ही मोमेंटम रहेगा, और कल हो सकता है कि हम जो है तो शायद नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। जब तक निफ्टी 16,450 के नीचे है तब तक आपको सेल ऑन प्राइस भी रखना चाहिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 16,200, उसके बाद में 16,000 और 15,900 के। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ जो है तो निफ्टी 9,200 आवर का जो एवरेज है उसके अराउंड रिजेक्शन लिया है और नीचे जा रहा है। और यह सपोर्ट जोन जो दिख रहा है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो ये आता है लगभग 16,200 के अराउंड। अगर कल मार्केट 16,200-16,150 के अराउंड खुलता है तो आपको एक कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी और आपको फिर से जो है तो 16,450 और 16,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुलता है 500 के अराउंड तो वहाँ सेलिंग करना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,600 का और टारगेट रहेंगे 16,250 से लेकर 16,150। अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट खुलता है तो हम सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस 16,600, टारगेट 16,250-16,150। अगर नीचे खुलता है तो वहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो हम बाइंग करेंगे 16,150 से लेकर 200 के अराउंड, स्टॉप लॉस रहेगा 16,100 के नीचे और टारगेट रहेंगे हमारे 16,450-16,500 के टारगेट हम लेकर चलेंगे अगर निफ्टी नीचे खुलता है। तो दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकती है, जैसे मैंने कहा वो निफ्टी को 800-850 और 900 के तरफ भी लेकर जा सकती है, तो उस लेवल का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 16,500 के ऊपर जो है तो पोजिशनल शॉर्ट आपको कैरी नहीं करने है, इंट्राडे में आपको जो है तो उस टाइम पे पोजिशन बनानी है, क्योंकि 16,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो निफ्टी को लेकर जा सकती है
16,800-900 के लेवल की तरफ, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर एक ट्रैपिंग मूव आ सकती है, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट अभी वोलाटाइल हो सकता है। यहाँ से आगे नीचे की तरफ भी आपको वोलाटाइल मूव देखेंगे और ऊपर की तरफ भी, और जैसे हमने आज इंट्राडे में देखा किस तरह से हमने दोनों तरफ, आप ये देखिए कि हमने शुरुआत नीचे के लेवल पे गए, शार्प सेल ऑफ देखा, फिर से शॉर्ट कवरिंग देखी, फिर से जो है तो कंसोलिडेशन के बाद फिर से मार्केट गिर गया। तो यहाँ जो है तो मार्केट अभी दोनों हैंड्स को, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मगर आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। आई विल नेवर मिस एन अपडेट। तो अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे आता है मार्केट तो हम सेल करके ही चलेंगे मोस्टली, अगर मुझे बाय करना है, और जैसे हमने आज बाइंग की थी तो वो निचले लेवल पे करेंगे। अगर निचले लेवल पे जैसे मिलता है, जैसे मैंने कहा अगर 150-200 के अराउंड मिलता है कल निफ्टी, तो हम एक 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करेंगे। टारगेट जो है 16,450-16,500 के टारगेट हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद द लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।